हेलो जी, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आई होप कि सब मजे में होंगे। देखिए दोस्तों, सुबह का टाइम है, सुबह के 10:30 बजे हैं। आप घर में आए हैं गाय को देखने के लिए। गाय की थोड़ी तबीयत ना ऐसी चल रही, उसके सर्दी लग गई। ये देखिए, अभी दिखाता हूँ गाय को। आप भूख लगी ना उसके, आप थोड़ी सी खुश है, नहीं तो वो होता। आप इस गाय को देखने के लिए कह रहे थे कि आपकी गाय कैसी है, दिखाओ आपके अभी पशु 10-15 कैसे दिन हैं। और लगेंगे सर, बेबी होने में 10-15 दिन और लग जाएंगे। अभी कुछ पता नहीं 10-15 दिन लगे या पहले ही हो जाए, क्योंकि टाइम हो रहा है इसका पूरा। मौसम इतना खराब रहेगा, सर्दी रहने से नुहाते हैं, इसलिए गंदगी हो रही है। सर्दी की वजह से नुहा नहीं पाते। और देखिए हमने ये ये इसकी कलाकारी है। ये दिखाओ कितने अच्छे लगते हैं। देख, ये एक गाय ऐसी दो है, बहुत सीधी गाय है। तीन चार, अरे ये है पांच। एक दो तीन चार पांच। छोटे छोटे बच्चे भी करते रहे इसके ऐसे। हाँ, ये किसी को मारती नहीं, लड्डू भी आके परेशान करके चला जाए ऐसे। इसका तो मजा आवे ऐसे। आप इसका ना दूध निकालना सीख लियो। हाँ, सारा काम सीख लिया मैंने तो। हाँ देखियो कैसे निकालते हैं पता। हाँ ऐसे ऐसे निकालते हैं ऐसे। ऐसे हाँ सीख जाओगे आप तो। ऐसे बाल्टी ऐसे नहीं। सुनो तो इसके पहले ये करके देखियो, नाना ना लगाइयो। जब ये भी आ जाएगी ना तो इसके ना या पहले शुरू में स्टार्टिंग में नाना ना लगाइयो। बाल्टी यहाँ लगा के पैरों में और बस ऐसे। हाँ बस ऐसे ना करो, बस ज्यादा ना करो। अरे कुछ नहीं कहती, मैं ज्यादा दबाव नहीं दे रहा ना, ज्यादा नहीं दबा रहा। दिखाइए दूध साफ है इसके, दूध आ रहा है थोड़ा थोड़ा। बिल्कुल आराम से खड़ी, हिल भी नहीं रही। बच्चा दे, बच्चा बच्चा बच्चिया दे दियो, सोनी सी है ना। अगर जैसे धूप आज निकली ना तो उसे नुहाओगे गर्म से पानी में थोड़ा। ताजे से पानी में नुला दो। ये तो बहुत परेशान, ये गाय हमारी बहुत मारती है, पता नहीं क्यों मारती है। देख लो दूध निकालते हैं से, घास भी करते हैं सब कुछ। इसके तो आसमान लगा सकते हैं। हाँ, और ये मारती है या कभी पर पता नहीं इस गाय को क्या हुआ। सुनो तो, ये क्यों हार गई, पता नहीं। इसे अच्छे से खुआ रे देख, इसका हेयर स्टाइल है, हेयर स्टाइल इसका, ये लड़की। और उसे खोलियो सजा देखू। उसे खोल कर दिखाइयो, उसके पैर खुल जाएंगे। ये कटिया है जो अभी लाए हैं, अभी लेके आए से कटिया को, इसे भी नहीं नुआई अभी। हाँ जब से ये आई नुआई नहीं से, सर्दी बहुत हो रही, बारिश हो रही, कहीं कुछ हो रहा है। बस 1-2 दिन से ही धूप निकल रही ठीक सी, अब आगे आगे तो अच्छी धूप अच्छी निकलेगी। नाक नाकस कितना अच्छा है इसका, वो तो मुझे पता नहीं, आपको पता हो। सिंगार बोलते हैं ना, ये देख सिंग भी कितने अच्छे हैं। बस इसके ना ये ढेर आ रही है, इसलिए ना नमक के पानी के छबके मार रहे हैं। वो तो इसलिए आ रही ना, नुआ नहीं पा रहे ना। इसे भी ऐसे आदत डालियो ना मारने की, मतलब इसे। इसे हाँ ये ना मार, बस देख लो ये भी देखो कैसे कर रही। हाथ फेर दो इसके भी पूंछ पे। या जिस दिन साइड ना उस दिन सैड सैड सी है वो। सैड सी तो इसलिए है ना भाई, अपनी जगह दूसरी जगह आते हैं। हाँ सबकी बात हो, ऐसे हो पशु हो चाहे इंसान हो, थोड़ा मन सा लगता ही नहीं। और ये आज इसे खोल कर दिखाओ, आपकी रेल पान देगा ये। नहीं नहीं भाई, यो टाइम नहीं है तुम्हारा। परेशान बस छोड़ते ही सारा अपनी माँ के आगे, माँ के पास ही जा। तो इधर उधर भी घूम ले, घूम रहा है, चलो आ जा इधर आ। पानी इनको पिला दिया है और घास थोड़ी देर में करेंगे, यानी कि सन्नी देखिए भी खुश होगी इसे देख के। नीचे सारे को झाड़ू लगा दिए और ये रात को लेके आते हैं खून, मतलब
शाम को और रात को इनके नीचे डाल देते हैं। और एक एक और बात, घास भी खेत में से नहीं आता, तो अब दो तीन दिन से जैसे बारिश हो रही तो घास भी खत्म है। भूस की सन्नी करते हैं, ये है भूस, देखिए ये सीढ़ी है हमारी, ये भूस है, इसकी ही सन्नी होती है अभी तो, अब फिलहाल तो इसकी सन्नी कर रहे हैं। पता नहीं आज भी आ पाएगा खेत में से घास या नहीं, आएगा नहीं, जुगाल रही बड़ी गाय तो, छोटी भी जुगाल रही। सन्नी कब करोगे? 11 बजे। मैं अब तो आगे आगे हाई ले रही है, मौसम अच्छा हो जाए। और बसंत पंचमी से बाद में तो गर्म दिन आ जाते हैं। हाँ दिखाएंगे अब। और इसके ये पूंछ के नीचे क्या निशान हो गया? आपको हमारी गाय कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताना। ये इसके ना जख्म हो गया था, दवाई लगाई थी इसके, ये वो उसे पल्ली उड़ावे थे ना, वो चेवड़ी से फंसा गया, वो करते थे वो 3-4 दिन बारिश लगातार रही तो वो हटाई थी सर्दी की वजह से, तो ये ध्यान पड़ गया बाद में, देख ये निशान हो गया था यहाँ पे। अब इस पर दवाई लगा रखी ना, ठीक होगा तो अभी समय दवाई भी देता हूँ। एक दवाई है इसकी, इसका कैल्शियम है, कैल्शियम। अच्छा, उसके लिए मैं इसमें थोड़ा सा आटा लाभ लेकर आऊंगा उसका। हम पशु का चारा वगैरह खल चोकर यहाँ पे रखते हैं इस कमरे में। अच्छा ये है, ये सुबह शाम देनी होती है इसके, कैल्शियम की है वैसे, वैसे नहीं है कुछ वैसा है, अब बीमारी की कोई कुछ बीमारी की नहीं, कैल्शियम है, कैल्शियम की है। अच्छी ग्रोथ होगी इसमें, अच्छी उसके लिए है, ये डाइट है इसके। चलो ये डाइट रूटीन है इसका, सुबह शाम का खा लेगी खाने की? खाने की हाँ खा लेगी। इसकी आंखें ना ऐसी लगती है जैसे काजल लगा रखी, देखो परेशान होगी दूसरे वाले, मुझे नहीं दी अनुभव सौंदर्य है इसका। बस ये याद रखी इसकी मार दी, बच्चों को परेशान नहीं करते, सारे बच्चे कहीं मुझको ले जाते हैं तो छह रुझान से। और जो वो गाय है बड़े वाली गाय ये परेशान करती है, जैसे मम्मा बन जाएगी। और ये पहली बारी भी आएगी ना, ये गाय लेके आए थे हम मौसी के यहाँ से, यानी कि इनकी मौसी के यहाँ से लेके आए थे, मम्मी की बहन के, उनके पास 2-3 गाय थी तो उन्होंने एक गाय बोल दिया था कि भाई तुम ले जाओ, मिक्स है थोड़ा, और जो दूसरी है फिर नस्ल की थी, पक्का नहीं पता, डाउट है। चलो अब तो बहुत कर दिया इनकी साफ सफाई, हाथ धो लो। और देखिए चलिए आपको मैं ऊपर छत पे भी ले जाती हूँ, मम्मी गोबर पाथरी, आपको नीचे का तो दिखा दिया है। देखिए छत भी अभी गिल्ली है क्योंकि बारिश 2-3 दिन लगातार बारिश रही, बस 2 ही दिन से धूप निकल रही। ये देखिए मम्मी यहाँ पे गोबर पाथरी, और ये हमारे गुस्से हैं बारिश में सारे गिल्ले हो रहे।
अब चलते हैं नीचे, नीचे क्या अब तो घर चलते हैं। पानी बंद कर दूं? ये सोना मार के चल रहा, मैं जाऊंगी घर। हाँ घर अभी ना जाऊं? क्यों आपके साथ ही चलूं?